देखिए बिजली में दो तार रहता है ना, तो कहता है दोनों को एक साथ रहेगा तो बल्ब जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा। इनको लगा कि इसको इसको जोर देने से मेरा बल्ब जल जाएगा, उसको जोर दिए, बाद बाकी उस दूसरा तार को काट दिए। ये काट दिए हैं मलाह समाज को, अति पिछड़ा के बेटा को के साथ हकमारी किए हैं। 2024 और 2025 ये दोनों में इनको पता चलेगा कि अति पिछड़ा के साथ अन्याय करना इनको कितना महंगा पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद अब बिहार सरकार की किरकिरी होने लगी है। कई समाज के लोग अब सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इस बीच निषाद समाज मलाह समाज के लोग आज पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। भारी संख्या में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हरीश सैनी भी साथ में है। गुस्सा अब इस प्रकार आ गया कि अब आकर बैठ गए गर्दनी बाग। देखिए ये हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी चचा भतीजे की सरकार, वो अति पिछड़ा का रहनुमा बनना चाहते हैं। वो दिखाते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि अति पिछड़ा के साथ मैं न्याय करूंगा। ये कैसा न्याय है? न्याय के नाम पर जब ये जातीय सर्वेक्षण की बात हुई थी, निर्णय हुआ था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए में थे, उस समय में ये निर्णय हुआ। अब जाके ये अभी सर्वेक्षण हुआ, अभी जो हुआ इसका परिणाम जो आया है, बिहार के कोने कोने में प्रतिदिन धरना प्रदर्शन पुतला दहन हो रहा। आखिर क्यों पूरे अति पिछड़ा के साथ ये अन्याय किए हैं, ये काम किए हैं? तो केवल और केवल कुर्सी के, अपने सत्ता के सुरक्षा के लिए वो काम किए हैं। किस समाज को जोड़ने से कुर्सी सुरक्षित रहेगा और किसके तोड़ने से सुरक्षित रहेगा, उन्हें जैसा लगा कि इसको बांटने से, इनको तोड़ने से मेरा कुर्सी सुरक्षित रहेगा, वैसा ही काम। मलाह समाज के साथ बड़ा घोटाला कर दिया, बहुत बड़ा घोटाला किए। अरे भाई ये विकास की बात करते हैं, इतने जात में बांटकर आप कैसे इस समाज का विकास करेंगे? आप समरसता की बात करते हैं, एक तरफ कुछ समाज को आप, जिनका सात उपजाती है, दस उपजाती है, सबको आप एक कर दिए हैं, और निषाद समाज को 17 जगह बांट दिए। तो बांट दिए तो आप बताइए कि न्याय हुआ या अन्याय हुआ? यदि अन्याय हुआ है, आपको लगता है कि हमसे भूल हुई है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अन्याय हुआ तो, और नहीं तो आपने उस दिन बोला था, हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सदन चालू होने से पहले फिर मैं बैठक करूंगा सर्वदलीय, और हमारे पदाधिकारी भी इस विषय को देखेंगे। तो देखिए आप तो हमको आश्वासन दिए हैं उस रोज सर्वदलीय बैठक में कि हमारे पदाधिकारी इन विषय को देखेंगे, हम फिर सदन चालू होने से पहले बैठक करेंगे। अब देखना है कि बैठक करके इस अति पिछड़ा के बेटा को, इस मलाह के बेटा को साथ ही न्याय कर रहे हैं या नहीं। अब देख लीजिए, सिर्फ मलाहों की बात नहीं है, अब देखिए चंद्रवंशी समाज कैसे उग्र बने हुए हैं, कैसे रोष में है। नीतीश कुमार को उल्टा पड़ गया क्या जाती है? अरे उल्टा कहाँ पर है, वो अपने लिए तो सीधा किए हैं। वो देख लिए कि किसको किसको, देखिए बिजली में दो तार रहता है ना, तो कहता है दोनों को एक साथ रहेगा तो बल्ब जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा। इनको लगा कि इसको इसको जोर देने से मेरा बल्ब जल जाएगा, उसको जोर दिए, बाद बाकी उस दूसरा तार को काट दिए। ये काट दिए हैं मलाह समाज को, अति पिछड़ा के बेटा को के साथ हकमारी किए हैं। चुनाव में असर दिखेगा, मलाह समाज दिखेगा चुनाव में 2024 और 2025, ये दोनों में इनको पता चलेगा कि अति पिछड़ा के साथ अन्याय करना इनको कितना महंगा पड़ेगा। ये 2024 और 2025 में इनको पता चल। लेकिन आप ही के नेता हैं, आप ही के समाज से आते मुकेश सैनी, उन्होंने धन्यवाद किया है, अब वो असर अपना जो है हक मांग रहे हैं नीतीश कुमार। अब एक व्यक्ति को यदि हाथ, दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिया जाए, और तब वो अपना आपको बहुत सबल समझते हैं, तब फिर आप बात तो एक के को बचा कि उनके मस्तिष्क, उनके विचार में क्या है, समाज का
समाज को लाभ पहुंचाना चाहते हैं या स्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ये तो उन्हें वही जानेंगे। तो देखिए पटना के गर्दनी बाग में किस तरीके से निषाद समाज के लोगों की तरफ से धरना दिया जा रहा है और साफ तौर से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं, हरि सैनी बैठे हैं, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं और खूब गुस्से में है, कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बता देंगे। नीतीश कुमार बैठा स्कूल में सकता है। अगर आपने अब तक लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से लाइक चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है।